इंडिया नॉट 2430 इस समय फैजाबाद जिले के मसौधा विकास खंड के ग्राम सभा कैल पहुंची है। कैल से पहली बार निर्वाचित प्रधान प्रदीप यादव जी हैं, जो युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, जुझारू भी हैं। तो हम प्रदीप यादव जी से खास बातचीत करेंगे, देखेंगे ये किस प्रकार से अपने ग्राम सभा का विकास करेंगे, विकास की क्या योजनाएं इनके पास हैं, ये किस प्रकार से अपनी जनता को संतुष्ट करेंगे, ये भ्रष्टाचार से कितने दूर रहेंगे, इन सभी मुद्दों पर यादव जी से बात होती है। यादव जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कितने वोटों से जीते? 247 वोटों से। आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन? प्रकाश पांडे। टोटल कितने वोटर मतलब आपके यहाँ टोटल कितने कैंडिडेट खड़े? पाँच में आपको पहला स्थान जनता ने आपकी जनता का भरपूर आशीर्वाद आपको पूरी तरह आप किस प्रकार से जनता का आभार? तहे दिल से उनको धन्यवाद कहूँगा, जो उन्होंने इस संकट में हमारा पूरी तरह से साथ दिया और पूरी मदद किया, और आगे भी हम उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। यही आप जनता को आपसे उम्मीद भी है और उनकी उम्मीद पर आप खड़ा उतरे। जी। अच्छा, आप प्रधान हुए हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहती है ग्राम सभा के विकास की? पहली चीज़ तो ग्राम सभा का जो पैसा आता है गरीब का, उस पैसे को सही ढंग से उसका उपयोग किया जाएगा, अच्छी जगह पैसा लगे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हुई, चाहे विधवा पेंशन हुई, चाहे प्रधानमंत्री आवास हुआ, निःशुल्क सारे लोगों में कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं रहेगा हमारी ग्राम पंचायत में, इसी तरह लोगों की सेवा की जाएगी। नहीं, हम ये पूछे थे कि आपके पहले प्राथमिकता क्या है, जैसे कुछ अधूरे कार्य ऐसे जो आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम प्रधान बनने वाले यही कार्य? नहीं, वो तो अधूरे कार्य को पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता है, और जो भी काम है जो है गांव का जनहित का सारे कार्य को जो है किया जाएगा। जी, मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम दोनों? जी, दोनों संप्रदाय को आप एक साथ लेकर? एक साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, जैसे चुनाव में आपके अच्छी विपक्षियों को आप किस प्रकार से देखेंगे, जैसे एक साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, कोई देश भावना नहीं, बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। पहले भी था हमारे यहाँ चुनाव तक जो बातें थी, बातें चुनाव होने के बाद सारी बातें खत्म रहती हैं। मतलब आपके विपक्षी को आपसे करने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं, सबका सारा काम किया जाएगा, यही चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आप शिक्षा पर कितना जोर देना चाहेंगे? शिक्षा पे बोल जो भी हो सकेगा जो है सारा जोर हमारा उस पर है। अच्छा, सरकार की जो प्राथमिकता होगी? प्राइमरी विद्यालय जो है वो मॉडल विद्यालय है ना? वैसे नहीं, मॉडल विद्यालय आप बनवाने का प्रयास करें? पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, ये ODF ग्राम सभा आपकी है? नहीं, ODF ग्राम सभा हुई थी समझौता बीच में। अच्छा, ODF हो चुका है, घोषित था कुछ पूर्व हुआ था जो हमारे यहाँ भैया समझ 2013-14 में। अच्छा, तो लगभग सारे कार्य तो पूरे कर लिए होंगे? जी, सारे कार्य। इंटरलॉकिंग वगैरह हो गई? सीसी रोड था जो है, सीसी रोड तो बन गए थे। अच्छा जी। अच्छा, आप अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के जिले में कैसे स्थापित करना चाहेंगे? अब आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए सरकार का पूरा भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र जो है पहले से ही बन चुके हैं, हमारे पिताजी के कार्यकाल में जो है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है निर्माण कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है, जो आज भी एक चालू हालत है, और ग्राम पंचायत भवन भी है, प्राथमिकता भी निर्माण हमारे यहाँ हो चुका है पहले भी, आज से 10 साल पहले भी जो है, तो बस यही नाली खंजा। तो कुछ युवाओं के लिए आपके यहाँ खेल का मैदान है? अब खेल का मैदान तो मौके पर है, मतलब कागज में नहीं है, लेकिन खेल का मैदान सामने जो है कागज में भी वास्तविकता है। वास्तविकता तो हमारे यहाँ जो खेल का मैदान है उस पर अतिक्रमण है। अच्छा जी, तो आप उस पर अतिक्रमण हटवाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे, उस पर 122 भी कम करना चल भी रहा है माननीय एसडीओ महोदय के यहाँ जो है, तो आप उसे कम्प्लीट करवाएं और युवाओं के लिए खेल का मैदान होना आवश्यक है। जी। और भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बिल्कुल हो गए हैं, इससे पहले भी पिताजी तो हम गांव में एक सर्वे किए, तो हमें गांव के सर्वे में ये पता चला कि आपके पिताजी एकदम साफ सुथरी वाले राजनेता साहब। जी, तो उन्हीं के कदम पद चिन्हों पर, जी उन्हीं के पूरी तरह पद चिन्हों पर चलना है, जनता की आपसे यही उम्मीद है। जी,
और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस धन्यवाद ये अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन आउट ऑफ 24 से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र।